गुलबर्गा शहर में जो 20 तारीख को होने वाले जो मेयर चुनाव है, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सरकार का ये जो मुख्यमंत्री है बसराज बोम्मई खुद फोन करके कॉरपोरेशन कमिश्नर को, असिस्टेंट कमिश्नर को धमका रहे हैं कि बेंगलोर में जितने भी 7 लोग MLCs का नाम यहाँ पे गुलबर्गा वोटर लिस्ट में ऐड करने का दबाव यहाँ पे ऑफिसर्स के ऊपर डाल रहे हैं। ये जो काम वो लोग कर रहे हैं ये डेमोक्रेसी के खिलाफ में है और ये क्रिमिनल एक्ट है। दिस इज क्रिमिनल एक्ट बाय ऑल द MLCs। जितने भी MLCs है वो लोग गुलबर्गा शहर के निवासी नहीं है, उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं आ सकता। चीफ मिनिस्टर खुद फोन करके ऑफिसर्स को डरा रहे हैं कि तुम अगर नाम इंक्लूड नहीं करो उनको हम सस्पेंड करते हैं, डिसमिस करते बोल के। शर्म आना चाहिए चीफ मिनिस्टर को ऐसा घटिया गिरा हुआ काम करने के लिए। ऐसा अगर मैं वार्निंग भी दे रहा हूँ जितने भी ऑफिसर्स है, BLO से लेकर असिस्टेंट कमिश्नर तक, जितने भी लोग ये प्रोसीजर में अगर कानून के खिलाफ ना, उनको प्लीज करने के लिए गलत काम करेंगे तो हम उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। और अगर हम उन्हें एस्केप भी हुए तो हमारा गवर्नमेंट आया जब उनके ऊपर इंक्वायरी करके डिसमिस करके जेल को भेजने का काम हम जरूर करेंगे। इसलिए मैं मेरा एक वार्निंग है ऑल ऑफिसर्स को, ये गलत कामों के लिए ईड ना हो क्योंकि ये लोग गुलबर्गा शहर के निवासी नहीं है, गुलबर्गा शहर को आए ही नहीं है ये लोग अभी तक, तो उनका नाम वोटर लिस्ट में कैसा ऐड किया जा सकता है। ये सरासर 420 का काम BJP हुकूमत खुद कर रही है, चीफ मिनिस्टर खुद फोन कर रहे हैं, बोलो शर्म आना चाहिए उनको। ऐसा गलत काम कांग्रेस पार्टी इसको टॉलरेट नहीं करेगा। हम फाइट करेंगे, कानूनात्मक भी फाइट करेंगे, हर स्तर पे हम इसका प्रयोग करेंगे। सर कांग्रेस मेयर बनाने का दावा कर रही थी, उस बारे में आप कुछ कहेंगे? कांग्रेस का मेयर बन रहा बोल के ये लोग कर रहे हैं ना, ये कानून के खिलाफ जो काम है, ये जो लोगों को यहाँ पे वोटर लिस्ट में इंक्लूड करने का जो साजिश जो चल रहा है किस लिए चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस का मेयर बन रहा उसको अवॉइड करने के लिए तो कर रहे हो लोग। तो GDS आपके साथ में है सर? GDS हमारे साथ में है। तो आप इसके बाद क्या एक्शन लेंगे अगर ये लोग इसी तरीके से इस हरकतों को करते रहेंगे तो? नहीं, देखिए ये हरकत कोई भी नहीं करना चाहिए और ये इसमें विक्टिम्स ऑफिसर्स होंगे क्योंकि ये प्रोसीजर है। क्या चीफ मिनिस्टर अगर उनका नाम इंक्लूड करना है तो लेट हिम गिव इन डायरेक्शन। ऐसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि कानून में प्रोविजन नहीं है, इसलिए जो प्रोसीजर फॉलो ऑफिसर्स को करना पड़ता है। अगर गलत काम करेंगे तो उसका सजा, जो ऑफिसर्स इसमें जो कॉपरेट करते वो गलत काम का सजा वो भुगतेंगे। हम तो छोड़ेंगे नहीं, कौन भी रहने दो, IAS ऑफिसर के क्यों ना रहने दो, जेल को भेजेंगे।